और चलिए कुछ खबरें खबर एक नजर में। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी नेता अखिलेश यादव आज संसद जाएंगे। संसद में आज वो एसपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात करेंगे। सांसदों के साथ बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश भी बिहार की राह पर चल पड़ा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्य में शराबबंदी का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को चरणों में लागू किया जाएगा। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चरणों में राज्य में शराब की सभी दुकानें बंद होगी। पहले चरण में नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री बंद होगी। दूसरे चरण में रिहायशी इलाकों, शिक्षा संस्थानों और धार्मिक इलाकों में शराबबंदी की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को शराब की बिक्री से हर साल 7,800 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। बलिया में राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी के आरटीओ ऑफिस में अचानक दौरा करने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी ऑफिस निर्धारित मिले तो वहीं कैश रूम में कैशियर की जगह बाहरी आदमी पाया गया।